छात्रों, पिछली कक्षा में हमने जो दिए गए समीकरण को वर्ग समीकरण में परिवर्तित कर हल किए थे, आज हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए द्विघात बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद दिया है, इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम द्विघात बहुपद को पहले वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, संगत वर्ग समीकरण बना लेंगे। द्विघात बहुपद का हम संगत वर्ग समीकरण हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये संगत वर्ग समीकरण हो गया, जहाँ ए बी सी अचर पद हैं और एक्स एक चर अज्ञात राशि है। इसका हम हल सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो एक्स इक्वल हमको प्राप्त होता है संगत वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं? दो, है ना। जो हल होते हैं वही उसके क्या होते हैं? मूल होते हैं, है ना। तो यदि मान लीजिए इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल सी अपान ए, यह होता है। यदि इस वर्ग समीकरण के हम दो मूल मान लें अल्फा बीटा, तो मूलों का योगफल होगा माइनस बी अपान ए, इन मूलों का गुणनफल होगा सी अपान ए। ये वर्ग समीकरण में हमने निकाला है, वर्ग समीकरण का योग का मूलों का योगफल और गुणनफल होता है, है ना। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, जो हमने दिए गए बहुपद को किस रूप में लिखा है? वर्ग समीकरण के रूप में लिखा है। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये वर्ग समीकरण को हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन निकालने पर क्या हो जाएगा? ए एक्स एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल जीरो। हम इस वर्ग समीकरण से ए कॉमन निकालेंगे तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। हम इसको इस तरह से और लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर, हम इसको माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल जीरो लिख सकते हैं। प्लस है, माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मूलों का योगफल के रूप में चूंकि हमको समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो b और a जो अचर पद को हमको अल्फा बीटा के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से परिवर्तन किया है, रूपांतरित किया है। अब यहाँ पर देखिए, माइनस बी अपान क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और c अपान ए क्या है? अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपान ए का मान अल्फा प्लस बीटा और c अपान ए का मान अल्फा बीटा रखने पर समीकरण हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट a एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल जीरो।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल जीरो। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल जीरो। अब हमको कितने पद प्राप्त हो गए? चार पद। इस चार पद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x दोनों पद में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बीटा दोनों पद में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x x माइनस अल्फा सॉरी x माइनस अल्फा माइनस बीटा x माइनस अल्फा इक्वल जीरो। देखिए x माइनस अल्फा दोनों में आ गई है तो हम उसको एक बार लेंगे और जो कॉमन लिए हैं हम उसको एक ब्रैकेट में लेंगे तो ये हो जाएगा a x माइनस बीटा इक्वल जीरो। x इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, x x माइनस ए x माइनस बी और x माइनस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल जीरो। देखिए ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इस रूप में परिवर्तित हो गया, किस रूप में, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है ना। हमने क्या लिया था, द्विघात बहुपद को हमने पहले संगत वर्ग समीकरण के रूप में कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमने इसको कन्वर्ट किया था, फिर उसके बाद उसका सॉल्व किया था तो लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट हो गया ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ये हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये निष्कर्ष निकला। तो इस तरह से हमने ये द्विघात बहुपद को एक घाती गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त किया है, द्विघात बहुपद को एक घाती गुणनखंड के रूप में हमने अलग अलग कर लिया। अब इस से संबंधित हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस टू, ये दिया हुआ है प्रश्न 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस टू। इसको हम ये बहुपद है, द्विघात बहुपद हो, इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। हल ये हो जाएगा दिया गया बहुपद ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस टू। बहुपद के संगत वर्ग समीकरण बनाने पर की संगत वर्ग समीकरण
के संगत वर्ग समीकरण क्या होगा? वर्ग समीकरण हो जाएगा 3x² - 6x + 2 = 0। संगत वर्ग समीकरण बनाएंगे तो ये बनाने के लिए बहुत जो दिए गए बहुपद में है ना इक्वल जीरो कर देना, इक्वेशन बनाना है ना, पॉलिनोमियल को तो हम क्या कर देंगे, दिए गए पॉलिनोमियल को इक्वलेंट जीरो करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, संगत वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम उसको मानक वर्ग समीकरण से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करने पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 एंड c इक्वल 2 यही मिलेगा। मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर हमको ये प्राप्त होगा। और सूत्र विधि से के लिए x इक्वल क्या हो जाएगा, -b + √b² - 4ac/2 ये मान होता है ना। x की वैल्यू समीकरण सूत्र में रखने पर a b c का मान सूत्र में रखने पर ये हो जाएगा x = -6 - 6 + √-6² - 4 * a 3 * c 2 / 2 2a / 2a कितना हो जाएगा, -6 - 6 + 6 + √-6² क्या वैल्यू होगा, -6² कितना हो जाएगा, -6² क्या मान होगा जी, 6² एनीवन है 36 + 36 कितना होगा +36 तो ये हो जाएगा +36 - 4 = 12 24 / कितना हो जाएगा 6 6 + - 36 में 24 - 12/6 अब हम 12 को लिख सकते हैं, 6 + -12 को लिखेंगे 4 × 3/6 क्या लिखेंगे 4 × 3/6 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 3 का वर्गमूल पूर्णांक में हमें प्राप्त नहीं होता है ना, इसलिए हम 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 + -2 √3/6 4 का वर्गमूल 2 आया, 2 वर्गमूल से बाहर हो गया तो 2 √3 = 12 12 का मान क्या होता है 2 √3 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 √3 है ना, 6 + -2 √3/6 अब यहाँ पे देखिए यहाँ 6 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3 + √3/6 ये हो जाएगा, 3 बार में कटेगा 6 तो ये हो जाएगा 3 + √3/3x x के मान मिले, क्या मान मिले 3 + √3/3 यदि समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो इफ 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो क्या हो जाएगा, एक मूल अल्फा का मान क्या होगा प्लस वाला 3 + √3/3 एंड एवं बीटा इक्वल हो जाएगा 3 - √3/3
है ना, यही मानने के लिए थे x के। और जब भी वर्ग समीकरण के मूल होते हैं तो प्लस वाले को हम अल्फा लेते हैं बीटा, और माइनस वाले को क्या लेते हैं, बीटा के रूप में लेते हैं, है ना, ये होता है। परंतु परंतु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का गुणनखंड, का गुणनखंड कैसा होता है, गुणनखंड अभी हमने सूत्र प्राप्त किया था, ये होता है ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा होता है। परंतु ये जो द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसा होता है, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा के मान इस पे रखने पर, कहाँ पे रखने पर, इसमें यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान कितना था, ए का मान कितना हमने लिया, तीन, ए का मान कितना था, तीन, है ना, तो थ्री एक्स माइनस अल्फा क्या है, थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस रूट थ्री अपान क्या हो जाएगा, थ्री एंड एक्स एंड एक्स माइनस थ्री माइनस रूट थ्री बटा थ्री ऐसा ब्रैकेट में लिख लिया हमने, x की जगह x रखा, फिर 3 प्लस अल्फा की जगह ये रखा है, x बीटा की जगह माइनस वाला पार्ट रख दिया। अब इसको हल करेंगे देखिए, इसको यहाँ पे और स्पष्ट लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं हम स्पष्ट रूप से, a a का मान 3 है, x x अल्फा का मान 3 प्लस रूट 3 बटा 3 x बीटा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 ये x अल्फा का मान रखा है और हमने बीटा का मान रखा है, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 ये हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस रूट 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा ये 3x माइनस, ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 अपॉन 3, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए 3 3 कैंसल, 3 क्या हो जाएगा, वन टाइम कैंसल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस रूट 3 ब्रेकेट में, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस रूट 3 और ये 3 बचा तो यह होगा 1 अपॉन 3। यही इस समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा, 3x माइनस 3 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 प्लस 3, ये जो दिए गए इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का गुणनखंड होगा। यहाँ पर जो अल्फा बीटा हमने माना है, इस अल्फा बीटा को दिए गए समीकरण चूँकि वर्गसम द्विघात जो बहुपद है उसको गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो अल्फा और बीटा के जो दो मूल मिले हैं उस मूलों को यहाँ पर रख कर हम इसको हल करेंगे। हल करने के पश्चात हमको दिए गए बहुपद का एक घातीय गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है।
अब हम इस प्रश्नावली के दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 3x² - x। क्वेश्चन नंबर 5 3x² - x - 1। ये क्वेश्चन है, इसको भी सूत्र की सहायता से जो दिए गए द्विघात बहुपद को गुणनखंड ज्ञात करना है। दिया गया द्विघात बहुपद हल दिया गया द्विघात बहुपद बहुपद 3x² - x - 1 की संगत द्विघात समीकरण दिए गए संगत क्या होगा। 3x² - x - 1 = 0 संगत समीकरण हो गया। संगत समीकरण बनाने के लिए क्या है कि जो दिए गए बहुपद हैं द्विघात उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और राइट हैंड साइड में जीरो लगाकर उसको जीरो लिखना है। तो क्या हुआ, वर्ग समीकरण के संगत हो गया। अब इसमें वर्ग हम मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो a = 3 b = -1 and c = -1। तुलना करने पर a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -1 और c का मान -1। सूत्र से x = ये हो जाएगा सूत्र -b + √b² - 4ac/2a। सूत्र है, इस सूत्र में एबीसी का मान रखने पर तो x = ये हो जाएगा -b - -1 - 1 + √b² है ना, b square कितना हो जाएगा -1² - 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -1 / 2a, a की वैल्यू 3, -1 - 1 कितना हो गया +1 + -√-1² कितना हुआ -1² - 1 और दिस इज -, -, +, एंड 4 3 = 12 + 12/6/6 तो हो जाएगा 1 + -√13/6 है ना x। तो ये x की वैल्यू हुआ 1 + √13/6।
एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हुई रूट वन प्लस माइनस रूट 13/6। अब यदि मान लें कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, यदि यदि वर्ग समीकरण 3x² - x - 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एक प्लस वाला पार्ट, 1 प्लस वर्गमूल 13/6 है ना, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 13/6। यदि मूल अल्फा बीटा हो तो एक्स वाले अल्फा माना जाता है और बीटा के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा के जो मान होते हैं वो माइनस वाले पार्ट के लिए जाते हैं, है ना। तो हमने जो प्लस लिया यहाँ पर वो अल्फा हो गया और जो माइनस लिया हमने उसको बीटा मान लिया। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसा होता है, परंतु जो द्विघात बहुपद के लिए है ना, परंतु कैसा होता है द्विघात बहुपद के लिए, कैसा होता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था, ax² + bx + c = ax - α x - β। ये था, तब इसको अल्फा बीटा के रूप में, इस गुणनखंड के रूप में दिए गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड के रूप में इसको लिखने पर ये हो जाएगा 3x² - x - 1 = ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी थी, 3, a की वैल्यू 3x - α, अल्फा का मान 1 प्लस रूट 13/6 एंड ये हो गया, एंड सेकेंड x - β का मान 1 माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस रूट 13/6 ब्रैकेट बंद। इस तरह से हमने इस रूप में लिख दिया वर्ग समीकरण द्विघात बहुपद को ax - α और x - β के रूप में। अब इसको हल करने पर यह हो जाएगा 3, 6, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है, इसके कोई संख्या है, कोई नंबर है या कोई बीजी चर है ना, जिसके नीचे हमेशा क्या रहता है, उसके हर में हमेशा क्या रहता है, एक रहता है ना। तो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 6, और यहाँ से 6 हम मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x - 1 - 13 एंड यहाँ पर हो जाएगा ये -6 - 1 + √13/6 इस रूप में आ गया ये, है ना। अब इसको हम
लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 6x-1 -13/6 and 6x-1 + 13/6 3 2 6 अभी हम इसको हल करेंगे तो हमें जो अभीष्ट गुणनखंड है वो हमें प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 6x-1 -13 and 6x-1 + 13 and 2 6 12 कितना हो जाएगा, 2 6 12 तो इस तरह से ये दिए गए समीकरण का गुणनखंड होगा। दिए गए समीकरण क्या था, x² - x - 1 = 1/12 6x-1 - 13 and 6x-1 + 13 तेरा, ये दिए गए बहुपद द्विघात बहुपद का एक घाती गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। यही इस द्विघाती बहुपद का हल है। इस तरह आज हमने द्विघात बहुपद का गुणनखंड सूत्र की सहायता से किया और हमने देखा, साथ ही कुछ प्रश्न को भी हल किया। धन्यवाद।